राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार देर रात मनी एक्सचेंज कारोबारी कैलाश खत्री के मकान पर छापा मारा, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी मिली। यह उन्हें 5 रुपए की नोट से लगाकर 500 रुपए तक के कटे फटे नोट की कई गड्डियां बरामद हुई। फिलहाल इनकम टैक्स इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कारोबारी कैलाश खत्री 18 साल से मनी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा है। उसने बताया कि फटे नोट एक्सचेंज करने के 1 लाख रुपए के बदले 75,000 देता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। भोपाल जोन 1 की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री के पास से 31 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें 18 लाख रुपए की 20-20 के नोट है। उसके खिलाफ 102 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कर आयकर विभाग को सौंप दिया है। कैलाश खत्री ने 2015 का एक आरबीआई का लेटर भी दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। यदि ये लेटर फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने हलवाले का पैसा होने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें कितना कैश अब तक मिल पाया है? कुछ इसमें अभी तक कुल मिलाकर के नए और पुराने नोट सब मिलाकर के लगभग 31,58,000 रुपए का सीजर हुआ है। नए नोट जो है वो लगभग 22 लाख रुपए उसमें वैल्यू है, जिसमें अधिकतम 20 रुपए के नोट्स की वैल्यू है, जो कि 18 लाख रुपए का लगभग है। और पुराने नोट्स में भी लगभग 5 लाख रुपए है इसमें। तो इसको हमने 102 सीआरपीसी के अंतर्गत जब्त किया है और इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जो कि अग्रिम इसमें जांच करेंगे कि सोर्स क्या था। और हमारे द्वारा भी इसमें पुलिस के द्वारा भी और आगे जांच की जा रही है कि इसका सोर्स क्या था और ये पैसे कहाँ जा रहे थे। ये बहुत लंबे समय से कर रहा था, यानी तकरीबन 2006 से बताया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक जो है वो लाइसेंस तो उसमें देता नहीं है, तो उसमें कोई अलग से कोई कार्रवाई होती है? इसमें जो कैलाश खत्री है, जिनके घर से ये सीजर हुआ है, तो उनके द्वारा एक लेटर 2015 का आरबीआई के द्वारा दिया हुआ बताया गया है। जबकि आरबीआई से अभी तक हमारी मौखिक रूप से चर्चा हुई है और उनसे हम उस जो 2015 का लेटर है उसका ओरिजिनल लेटर भी हम उनसे लिखित में प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कभी वो किसी व्यक्ति विशेष को ऑथराइज नहीं करते हैं पुराने कटे फटे नोट के एक्सचेंज के लिए। जिसका नोट अगर ठीक नहीं है तो उसको वो पर्सनली खुद जाकर के बैंक में चेंज कर सकते हैं। बल्क में कोई इस तरीके से इकट्ठा करके नोट एक्सचेंज नहीं कर सकता जाकर के। तो इस तरीके से आरबीआई से भी चर्चा में है, उनसे भी जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त की जा रही है, इनकम टैक्स को भी जानकारी दी जा चुकी है। इसमें क्या कुछ क्रिमिनल एंगल बनता है तो क्या एफआईआर होगी? इसमें अभी तक जो लेटर इनके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा दिया हुआ जो कैलाश खत्री है, अगर आरबीआई ऐसा बताते हैं कि ये लेटर इनके द्वारा नहीं जारी किया गया है तो फिर इनके ऊपर एक क्रिमिनल मामला बन सकता है।